सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro के बारे में। तो अभी आप लोगों को पता है कि Xiaomi इंडिया में कितना ज़्यादा अपना जो दबदबा है वो बनाया हुआ है और एक के बाद एक अपने नए और अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहा है। Xiaomi ने लॉन्च किया था Redmi का Note 7 Pro, जो कि काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन था। लोग उस स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा बाय किए और अभी रिसेंटली में Xiaomi ने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए अपने Redmi सीरीज में। एक है Redmi का K20 और दूसरा है Redmi का K20 Pro। लेकिन अब आपको Redmi की तरफ से एक नया स्मार्टफोन मिलेगा जो कि है Redmi का Note 8 Pro। ये बेसिकली Redmi के Note 7 Pro का सक्सेसर बन के यहाँ पर आने वाला है। और अभी जो Xiaomi और Realme में जो टक्कर चल रहा है ना, मतलब Redmi और Realme में, मतलब देख के मज़ा आ जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तो अभी रिसेंटली में कुछ रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, उसमें बताया जा रहा था कि Realme अपने दो स्मार्टफोन को बहुत जल्द लॉन्च कर सकता है। एक होगा Realme का 5 और दूसरा होगा Realme 5 Pro। लेकिन उसके बाद Redmi की तरफ से खबर आ रही है कि Redmi यहाँ पर अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो कि Redmi का Note 8 Pro। और यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सैमसंग का GW1 का सेंसर देखने को मिलेगा। अभी अगर आप लोग मनु कुमार जैन को ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कुछ पोस्टर भी डाला था, उन्होंने दिखाया था और उनमें जो कैप्शन दिया था उन्होंने पूरा लिख दिया था कि Redmi का एक स्मार्टफोन है जो आने वाला है 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। यानी कि मार्केट में फिर से एक बार यहाँ पर Xiaomi आग लगाने वाला है। अब Realme का 5 Pro आएगा और Redmi का Note 8 Pro आएगा। दोनों ही स्मार्टफोन में देखने वाली बात होती है कितना मज़ा यहाँ पर आने वाला है। Redmi का Note 8 Pro बताया जा रहा है कि सितंबर के मंथ में आ सकता है और इसमें आपको मिलेगा एक फुल स्क्रीन, जिस तरह से आपको Redmi के K20 में मिलता है। पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का आपको सेंसर मिलेगा। बैक साइड में आपको बताया जा रहा है कि 4 कैमरा का सेटअप मिलेगा। जी हाँ, अभी जो रिसेंटली में लीक्स निकल कर सामने आई है उसके हिसाब से आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 64 मेगापिक्सल का। तो ये कमाल की बात मुझे लगी। हालांकि अभी तक प्रोसेसर इसका कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको Xiaomi कौन सा चिपसेट देगा, लेकिन जहां तक लग रहा है कि यहां पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730 वाला चिपसेट देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि 730G वाला दे दे तो काफ़ी यहां पर मज़ा आ जाएगा। तो क्या आप लोग Xiaomi के फ़ैन हैं? क्या आप लोगों को Redmi का स्मार्टफोन पसंद आता है? ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप लोग इस फ़ोन के लिए वेट करेंगे या फिर आप Realme का 5 Pro यहां पर बाय करेंगे? जो भी है आप अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको भूलना ये नहीं चाहिए कि Realme के भी स्मार्टफोन में जो 5 Pro आएगा उसमें भी शायद आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। मतलब ये जो Realme और Redmi का जो जंग चल रहा है ना, उससे हमारे लिए काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से देखते हैं क्या होता है। कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको हमारे चैनल में अपडेट मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।